नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और मेरे चेहरे पे शिकन इसलिए है क्योंकि हम लोग ऑप्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमें सिखाया है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अब पता चलेगा स्टूडेंट कितने स्मार्ट हैं। अभी तक तो ये ऑप्शंस की फिफ्थ क्लास तक हम ये सिक्स्थ क्लास है तो है कि फ्यूचर्स की मेरे ख्याल से हमने 30-35 क्लासेस तो की होंगी। हाँ 36। हाँ तो ये जितनी 36 क्लास में आपको मेहनत नहीं लगी उतनी 6 में लग जाएगी। अभी 6 में ही लग गई है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और ऑप्शंस की सीरीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कितनी सीरीज होती है? सेम जैसे फ्यूचर्स में होती है 3। पता ही है आपको फ्यूचर का, भूल गए होंगे मुझे मालूम, बहुत लोग भूल गए। करंट मंथ, हाँ इस महीने की सीरीज है, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, मुझे याद है 3 होती है। कुछ कुछ केसेस में ज्यादा भी आगे की भी होते हैं लेकिन कमोबेश आप ये समझ लें कि 3 सीरीज होती है। करंट मंथ इस महीने की, जो इस महीने के आखिरी गुरुवार को खत्म हो जाएगी, अगले महीने की और उसके अगले महीने की, ठीक है। लेकिन ये होती है स्टॉक्स में, जो इंडेक्स है इंडेक्स में थोड़े आगे के महीनों की भी, 6 महीने 12 महीने आगे की भी सीरीज होती है, खुली होती है। हालांकि वो लिक्विड कम होती है, ट्रेड कम होती है, इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं इंडेक्स में। हाँ इंडेक्स में, लेकिन वो चाहे तो आप उनमें भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो कमोबेश आप ये समझ लें कि भाई इंडेक्स में भी 3 महीने की सीरीज होती है, करंट नेक्स्ट और फार मंथ सेम। तो सीरीज हर वक्त 3 खुली रहती है, ठीक है, इंडेक्स में भी और साथ ही साथ स्टॉक्स में भी, क्लियर है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फर्क है, ये जो 3 सीरीज में बता रहा हूं ये फ्यूचर्स के लिए भी और ऑप्शंस के लिए भी सेम है। हाँ। लेकिन एकमात्र एक इंडेक्स ऐसा है जिसमें हर हफ्ते की सीरीज होती है और वो है बैंक निफ्टी। एक्सपायरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, हफ्ते की एक्सपायरी हर गुरुवार को होती है। करेक्ट, याद है आप? हाँ। देखती होंगी ना कि हर गुरुवार को पोल आ जाता है या एक्सपायरी कहां होंगी, कहां होगी, अनुमान क्या लगे। हाँ तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वीकली भी, मंथली तो होती होती है, वीकली भी होती है। मानसी इसमें एक खास बात है, बैंक निफ्टी में वीकली सीरीज है हर हफ्ते की है, लेकिन उस वीकली सीरीज में सिर्फ ऑप्शन ट्रेड होता है, फ्यूचर नहीं। फ्यूचर तो वही मंथली वाला है जो सब में ट्रेड होता है, वैसे बैंक निफ्टी में भी होता है, किसी और स्टॉक की तरह है, किसी निफ्टी फ्यूचर की तरह है। बैंक निफ्टी भी फ्यूचर्स तो मंथली ट्रेड होते हैं लेकिन बैंक निफ्टी में ऑप्शंस की ट्रेडिंग वीकली भी होती है, इसीलिए वीकली एक्सपायरी, इसलिए वीकली एक्सपायरी होती है। तो जो इस हफ्ते के ऑप्शंस हैं वो इस गुरुवार को खत्म हो जाएंगे और ऑप्शन दोनों ही होंगे, पुट भी होंगे, कॉल भी होंगे, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के होंगे। सो सिर्फ बैंक निफ्टी के केस में एक एक्सेप्शन है जहां वीकली एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। तो सिर्फ बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी और ऑप्शंस की अगर बात कर रहे हैं तो फिर ओपन इंटरेस्ट भी एक कॉन्सेप्ट थी जो हमने समझी थी फ्यूचर्स में, करेक्ट। ऑप्शंस में भी होता है ओपन इंटरेस्ट? ऑफ कोर्स, कैसे नहीं होगा, होना ही चाहिए भाई। सिंपल है, देखो एक चीज समझिए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बेसिक चीजें बदलती नहीं है, बेसिक्स वही है। थोड़ा सा फर्क है कॉन्सेप्ट में कि जहां आप फ्यूचर्स में कैश मार्केट की प्राइस के आसपास की प्राइस को ट्रेड करते हो, वही ऑप्शंस में आपको स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर प्रीमियम ट्रेड करना होता है, बस उतना ही फर्क है। बाकी सेटलमेंट को लेकर, मार्जिन्स को लेकर या फिर एक्सपायरी को लेकर कोई खास बदलाव है नहीं, ठीक है। ठीक है, तो एक तरह का दोस्ताना है दोनों में, फ्यूचर और ऑप्शन। बार बार FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो आपका जो सवाल है इसमें क्या जानना चाहती हैं आप? वही कि मतलब ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन में किस तरह से? देखिए फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट हमने शुरू में बता दिया, एक ने लिया, दूसरे ने बेचा, तीसरे ने लिया, चौथे ने बेचा, तो जितने कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, पोजीशन खुली हुई, उसके बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट गिना जाता है। ठीक उसी तरह ऑप्शंस में भी जितने कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं उसके बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट गिना जाता है, सेम फॉर्मूला है, कोई बदलाव नहीं, खुले सौदे जो आपने। हाँ अब समझिए फर्क इतना है कि आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा निफ्टी का 11,000 की स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, मतलब तेजी की पोजीशन में नहीं जी, तो आपका एक ओपन इंटरेस्ट खुला हो गया। हाँ। आपने 11,000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का ही एक पुट ऑप्शन खरीदा है,
ठीक है, यानी मंदी की पोजीशन बनाई, हाँ, तो क्या होगा, आपका ओपन इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, एक और एक, हाँ, कॉल खरीदा सामने, पुट खरीदा, एक तेजी की बने, एक बने, जी नहीं, दो ओपन इंटरेस्ट हो गए आपके। सर कंफ्यूज हो गए आप करते हैं और फिर कंफ्यूज नहीं, मैं ताकि आपको याद रहे इसलिए मैंने इजीली पूछा, मुझे मालूम था जवाब यही आएगा। तो सिंपल पॉइंट ये है कि देखिए ओपन इंटरेस्ट घटता कब है, ये बेसिक चीज समझ लीजिए। ओपन इंटरेस्ट घटेगा तब जब कोई पुरानी पोजीशन बंद होगी तब ना, और ये तो नई पोजीशन खुल रही है कि बस हाँ। अब आप भूलेंगी नहीं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया। तो अच्छा, आप एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदे, दूसरे स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचे, तो भी जीरो नहीं होगा, तो दो हो जाएंगे। एक मिनट, एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदे और दूसरी का बेचे, तब भी नहीं होगा जीरो? देखिए एक सिंपल फॉर्मूला, आप ये देखिए आपने जितने ट्रेड किए, कोई भी आप ट्रेड कर रही हैं, फ्यूचर खरीद कर रही हैं, ऑप्शन कर रही हैं, छोड़ दीजिए एक बार, भूल जाइए, जो भी कर रही हैं, फ्यूचर का कर रही हैं, ऑप्शन का कर रही हैं, जब तक आपकी शीट में जो ट्रेड है कोई पुरानी पोजीशन बंद नहीं हो रही बल्कि नई पोजीशन खुल रही, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाँ, कोई पुरानी पोजीशन बंद हो रही है तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर आपने 11,100 का कॉल ऑप्शन खरीदा है निफ्टी का और 11,200 का कॉल ऑप्शन बेचा है, तो एक स्ट्राइक प्राइस का खुला है ना जी, दूसरे का भी खुल गया, तो ओपन इंटरेस्ट घटा कैसे, बढ़ा ना? ओपन इंटरेस्ट तब घटेगा जब 11,100 का आपने 11,000 का कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, वापस 11,000 का ही बेच के खत्म कर दो तो वो जीरो हो जाएगा। सेम आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, तेजी की पोजीशन बना ली 11,000 का, सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन भी खरीद लिया आपने, तब भी एक कॉल खड़ा है, एक पुट खड़ा है, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब क्लियर है? इजी है, बिल्कुल इजी है। ये एक बेसिक फॉर्मूला बना रहा हूं, पोजीशन तभी ओपन इंटरेस्ट तभी घटेगा जब कोई पुरानी पोजीशन बंद होगी, नहीं बन रही है तो फिर वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इजी है। हाँ, तो ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट के मायने किस तरह से होते हैं वो हमने समझ लिया। आगे के क्लासेस में और भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आनी बाकी है, तो आपको रहना होगा हमारे साथ, बने रहें। नमस्कार।